तो अब आपके नाम से 10 से 15 आर्टिकल्स राइट करवा देंगे और पब्लिश कर देंगे अलग अलग वेबसाइट पे। गाइस, प्रिंस चंद्रा हेयर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू टिक वेरिफिकेशन मार्क की, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ओवर हाइप चीज यही ब्लू टिक है। क्योंकि ब्लू टिक बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है जिसके पास ब्लू टिक है उसकी जिंदगी सफल है सोशल मीडिया पे। आप मान लीजिए दो अकाउंट है, एक 10,000 फॉलोअर वाला और एक 1,00,000 फॉलोअर वाला, तो लोग ऐसे समझते हैं जिसके पास ब्लू टिक है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है एज़ कम्पेयर टू 1,00,000 फॉलोअर वाले से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लू टिक बेसिकली, ब्लू टिक का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो प्रोफाइल है ये ऑथेंटिक है और कोई और बंदा इसे नहीं चला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सोशल मीडिया नया नया आया था तब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इम्प्रिजनेट करने के लिए बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन जाते थे, और ये चीज़ आज भी होती है। क्योंकि अगर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है तो लोग उसकी कॉपी करते ही हैं। रियल वर्ल्ड में भी आपको दिखता ही है, सब हेयर स्टाइल सलमान खान वाला लेके घूमते हैं। तो फेक पेज बनाना या फेक प्रोफाइल बनाना तो बहुत छोटी सी बात है। तो इसी वजह से ब्लू टिक को इंट्रोड्यूस करा गया था। ब्लू टिक को सेलिब्रिटीज़ की ओरिजिनल प्रोफाइल को दिखाया गया था ताकि जो लॉयल फैंस हैं वो अगर अपने सेलिब्रिटीज़ को ढूंढे, अपने हीरोज़ को ढूंढे, तो उनको ब्लू टिक की वजह से पहचान हो जाए कि हाँ यही ओरिजिनल अकाउंट है और इसे ही हमें फॉलो करना है। तो ब्लू टिक का मतलब सिर्फ यही है, वो ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। तो अभी आप लोगों को पता है टाइम थोड़ा चेंज हो गया और सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं। हम जैसे लोग भी अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी ब्लू टिक दिया जाने लगा है। लेकिन ब्लू टिक देने के जो प्रोसीजर है वो हर प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल यूट्यूब का है। यूट्यूब का सिंपल फंडा है, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कर लो, ब्लू टिक ले जाओ। जिस भी चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उसको ब्लू टिक मिल जाता है। एक सिंपल सा फॉर्म एप्लीकेशन होता है, उसे सबमिट करो, एक दो दिन में मिल जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका तो भाई अलग ही लेवल का फंडा है। ये सेलिब्रिटीज़ और कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के अलावा नॉर्मल लोगों को बहुत मुश्किल से ब्लू टिक देते हैं। यार देखो, वैसे तो हर प्लेटफॉर्म के ब्लू टिक के अपने अपने प्रोसीजर हैं। आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, अपनी गवर्नमेंट आईडीज देनी पड़ती है, आपको अपनी पहचान बतानी पड़ती है कि ये आप ही की प्रोफाइल है, तब जाके आपको ब्लू टिक मिल सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब भी मिलता नहीं है। ट्विटर तो अपने तरीके चेंज करता ही रहता है हर बार, और ट्विटर पर ब्लू टिक लेना काफ़ी टफ हो जाता है एट टाइम्स। इसलिए ट्विटर बीच बीच में बंद कर देता है अपने वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है। अभी बीच में बंद कर दिया था, अभी चालू कर दिया था, लेकिन चालू करने के बाद भी जिन लोगों ने एप्लीकेशन भरी थी, अपना फॉर्म में भरा था ब्लू टिक के लिए, उनको भी नहीं मिला है। बहुत ज्यादा चेंज करता रहता है ट्विटर। ब्लू टिक का भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप लोगों को पता है बीच में जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज बैठी हैं, जो एजेंसीज बैठी हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये आपको ब्लू टिक दिलवाने का दावा करते हैं और आपसे बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर लेते हैं। अगर आप इनको जानते हो, आपके दोस्त वोस्त हैं, तो आपका काम 40-50,000 रुपए में करवा देंगे। लेकिन अगर आप इनको नहीं जानते हो तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक लेते हैं ये आप लोगों से ब्लू टिक लगवाने के, आपकी प्रोफाइल के आगे। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। तो ये लोग कैसे काम करते हैं ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिकली ये आपसे पैसे ले लेंगे, पैसे लेने के बाद आपके नाम के फेक आर्टिकल्स राइट करवाएंगे और उन्हें पब्लिश करवाएंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे। बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा होता है आजकल। तो अब आपके नाम से 10 से 15 आर्टिकल्स राइट करवा देंगे और पब्लिश कर देंगे अलग अलग वेबसाइट पे। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जब आप जाएंगे और आप इन आर्टिकल्स का लिंक देंगे तो इंस्टाग्राम को ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में जेन्युइन पर्सनैलिटी और आपके बारे में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपको तो अलग अलग वेबसाइट कवर कर रही है, आपका नाम बहुत जगह पर आ रहा है और इस वजह से आपके फेक अकाउंट्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तब उस केस में इंस्टाग्राम आपको ब्लू टिक दे देता है। और भी कुछ चीजें होती हैं लेकिन मेनली यही प्रोसीजर रहता है। इसी वजह से कंपनी आपसे पैसे लेती हैं, आपको ब्लू टिक देती हैं। तो करप्शन हर जगह है भाई, आपको पूरे सोशल मीडिया पे इस तरीके का करप्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ब्लू टिक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो, चाहे वो फेक व्यूज हो, हर चीज में आपको छोटा मोटा करप्शन देखने को मिल जाएगा। और इस चमकती धमकती सोशल मीडिया वाली जिंदगी में आपको ऐसी चीजें हर जगह देखने को मिलेंगी। तो मैं तो यही बोलूंगा, या तो आप पैसे दे के ब्लू टिक ले लो, लेकिन फिर आपको लगेगा यार मैंने पैसे दे कर दिया, अंदर से मन नहीं मानता। कई लोगों का मान जाता है, वो ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका यही है, शांति से बैठो, इतना पॉपुलर हो जाओ, अपने काम को इतना जोरदार बना दो कि ये प्लेटफॉर्म्स मजबूर हो जाएं आपको ब्लू टिक देने पर। वरना ब्लू टिक नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अपने कंटेंट में दम रखो। व्यूज, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स तो ये सब चलते रहेंगे। आप क्या सोशल मीडिया पर नंबर्स के लिए आए थे? नंबर्स के लिए नहीं आए थे ना। नंबर्स के लिए अगर जाना होता तो किसी जॉब वॉब में जाते। सोशल मीडिया पर करियर बनाने आए हो तो मैं यही बोलूंगा, अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दो, नंबर्स पर ध्यान मत दो।
मस्त रहो, चिल रहो। तो ऐसा सच कोई भी ट्रस्टेड मेथड नहीं है, बस आप वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब खुद प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको पागल ही बनाते हैं। या तो पैसे देकर ब्लू टिक ले लो या फिर इनका एक्चुअल फॉर्म भरो, अपनी गवर्नमेंट आईडीज दो। इस तरीके से आपको ब्लू टिक मिल सकता है, मिल जाएगा कि गारंटी नहीं है, मिल सकता है, क्योंकि बस यही एक तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि मस्त रहो, चिल रहो, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।